में अवैध अस्पतालों का खेल खूब फल फूल रहा है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। आगरा में स्वास्थ्य विभाग पर फिर सवाल खड़े हुए। अवैध हॉस्पिटलों पर नहीं हो रही कार्यवाही, निजी हॉस्पिटल में इलाज के नाम पर मोटा पैसा कमा रहे फर्जी अस्पताल। उत्तर प्रदेश के आगरा में खूब फल फूल रहा अवैध हॉस्पिटल का धंधा। सरकार की तमाम कोशिश के बावजूद फर्जी हॉस्पिटल वाले लोगों की जान पर खेलकर कमा रहे मोटा मुनाफा। मौन साधे बैठा है आगरा स्वास्थ्य विभाग। आगरा के शहीद नगर क्षेत्र में नया सवेरा हॉस्पिटल और मैरी गोल्ड हॉस्पिटल बिना मानकों के संचालित है। शहीद नगर क्षेत्र में दोनों ही हॉस्पिटलों पर चेक किया गया, जिसमें हॉस्पिटल संचालक के पास हॉस्पिटल के पूरे मानक नहीं थे। सबसे महत्वपूर्ण मानकों में फायर की एनओसी होना अनिवार्य है, लेकिन दोनों ही हॉस्पिटलों में फायर की नहीं मिली एनओसी। एडीए के भूखंड में 35 वर्ग गज लगभग संचालित है नया सवेरा हॉस्पिटल। बड़ा सवाल, आखिर किसकी सह पर आगरा में नया सवेरा हॉस्पिटल और मैरी गोल्ड हॉस्पिटल चल रहे हैं? नया सवेरा हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग आखिर ऐसे फर्जी हॉस्पिटलों पर क्यों कार्यवाही नहीं कर रहा? अब देखने वाली बात है कि स्वास्थ्य विभाग ऐसे फर्जी हॉस्पिटलों पर कब तक कार्यवाही कर पाता है। थाना सदर शहीद नगर क्षेत्र में संचालित हैं ऐसे तमाम अस्पताल। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। अग्निशमन विभाग किसी भी हॉस्पिटल संचालन के लिए लाइसेंस निर्गत नहीं करता है, न तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। लाइसेंस निर्गत करने से पहले संबंधित जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है तमाम विभागों का रिपोर्ट लेती है, जिसमें अग्निशमन विभाग से भी आख्या लेती है। जो हमारे यहाँ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते हैं और उनकी एनओसी हमारे यहाँ से निरीक्षण किया जाता है, और उसमें अगर कोई मानक के अनुसार कोई कमी नहीं है तो एनओसी निर्गत कर दी जाती है, या उसमें कोई कमी होती है तो उनको रिटर्न में लिखित रूप में अवगत कराया जाता है, और कमियों के निस्तारण के बाद अगर पुनः अप्लाई करते हैं तो फिर उनका एनओसी निर्गत की जाती है। और हमारे विभाग में एक समय सीमा है, उसके अंदर 100% सबका निस्तारण कर दिया जाता है। काफी लंबे समय से नया सवेरा हॉस्पिटल मैरी गोल्ड हॉस्पिटल संचालित है, क्या इनके पास फायर की एनओसी है? नहीं, दोनों नाम आपने जो बताया है ये इसको हमारे यहाँ पोर्टल पे इनके द्वारा कभी आवेदन नहीं किया गया अभी तक, और इन्होंने अभी अप्लाई एनओसी के लिए नहीं किया है। जब अप्लाई करेंगे तो अग्निशमन विभाग द्वारा इनका निरीक्षण करके जो आवश्यक कार्रवाई होगी, एनओसी होने लायक होगी तो निर्गत की जाएगी, यदि कमियां होगी तो उनको अवगत कराया जाएगा। क्या ऐसे हॉस्पिटलों को एनओसी फायर विभाग देगा जो ऐसे रिहायशी इलाकों में संचालित हैं, जो भूखंड हैं 35 वर्ग गज में बने हुए हैं? नहीं, एनओसी के लिए जो मानक हैं वो पूरे करेंगे, जो उनके फायर फाइटिंग के जो नाम से वो पूरे करेंगे। बिना नाम से पूरे किए हैं कभी भी अग्निशमन विभाग किसी को अनापत प्रमाणपत्र निर्गत नहीं करता। ऐसे तमाम हॉस्पिटल हैं आगरा में जो बिना एनओसी के, बगैर एनओसी के चलते हैं, क्या अग्निशमन विभाग किस तरीके से कार्रवाई करेगा? बहुत से हॉस्पिटल के एनओसी निर्गत है, कुछ ऐसे हैं कि जो अभी अप्लाई कर रहे हैं, जो उनके यहाँ व्यवस्थाएं नहीं, फायर फाइटिंग की व्यवस्थाएं पूर्ण करा के अप्लाई कर रहे हैं, और अगर बिना एनओसी के लाइसेंस निर्गत करना है तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसको देखेगी। और इस तरह से हमारे द्वारा भी बीच बीच में निरीक्षण अभियान चलाया जाता है, और संबंधित को मानक के अनुरूप अग्निशमन व्यवस्था पूरा करने के लिए उनको निर्देशित किया जाता है, और लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी पत्र से अवगत कराया जाता है। क्या अग्निशमन विभाग नया सवेरा हॉस्पिटल और जो मैरी गोल्ड हॉस्पिटल है उस पर कार्रवाई करेगा? उसका निरीक्षण किया जाएगा और उनको समय दिया जाएगा और व्यवस्थाएं पूर्ण करने के लिए और आवेदन करके एनओसी लेने के लिए। अगर व्यवस्थाएं नहीं पूर्ण करते हैं तो संबंधित विभाग को अवगत कराया जाएगा कि इनका हमारे विभाग से बिना एनओसी के और व्यवस्था नहीं इनका संचालन किया जाता है, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी इस पर निर्णय लेगी। आगरा